कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसन मसूदी जी, आज नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को जो है वो देश को समर्पित कर दिया गया है, आप लोग खुद उसमें रहे हैं, तो क्या एहसास हुआ पुरानी बिल्डिंग से अब नई बिल्डिंग में गए हैं? पुराने की अपनी ग्रेस होती है, सुविधाएं भली कम हो लेकिन उसका जो सारा आर्किटेक्ट था और जो स्ट्रक्चर था वो तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन अब यहाँ पर सुविधाएं होंगी, आपकी कनेक्टिविटी होगी, आप देख पाएंगे क्या बिजनेस है क्या बिजनेस नहीं है, जो के पेपर्स दिए जाते थे आप पेपर्स के बगैर पेपरलेस हो जाएगा, वो तो रहेंगी, लेकिन अगर आप पूछेंगे कि ग्रेस तो वही है ना जो पुराने पार्लियामेंट थे उसका जो जैसे भी है उसका जिसका डोम शेप जिसका छत था या बैठने का तरीका था या वेल था, यहाँ पर भी मुझे लगा कि वेल को स्क्वीज किया गया है, जहाँ पर आमतौर पर आपको मालूम है कि वो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का हिस्सा है, विपक्ष या कभी जो हिजबी इकदार भी वो आते वेलमर अपना मुजाहरा करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ जो भी एक स्पीच की मीन्स ऑफ जो एक्सप्रेशन है उसका हिस्सा। खवातीन के लिए रिजर्वेशन है वो 33% होगा, उसका बिल जो है पेश किया जाएगा, आप क्या आप लोग इसके समर्थन में हैं? देखिए पहले ये कि कल कैबिनेट की मीटिंग हुई और ये सुनने में आया कैबिनेट ने अप्रूव किया है जो भी बिल होगा, लेकिन अभी आया नहीं मंजर यहाँ पर, लेकिन जो भी हो वो लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है सोसाइटी का, देखिए 50% जो आबादी है वो खवातीन पर मुश्तमिल है और आज तक इनको महरूम रखा गया, इनकी आवाज़ को नहीं सुनी गई पार्लियामेंट में उस मौसर तरीके से जैसी सुननी चाहिए थी, तो इसका मैं आज़ादी तौर पर और मुझे लगता है हमारी पार्टी भी, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा जो ऐसे महरूमियत जिन सेगमेंट्स को उनके साथ खड़ी रही है, तो ये सब के लिए एक वेलकम सेटअप है। खवातीन जो आबादी का नसीब हिस्सा है उनको आवाज़ मिलनी चाहिए और वो देश की गवर्नेंस में देश को चलाने में उनका योगदान रहना चाहिए, उनका कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए, बहस में डिबेट में, और जो खवातीन के लेकर विषय हैं बच्चों को लेकर विषय हैं वो मौसर तरीके से वो पेश कर सकती हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है वो एहसास होता है कि पीड़ा क्या है, तो हर तरीके से मुझे लगता है कि ये एक सराहना कदम है, तो लेकिन देखना होगा कि बिल का क्या मतन है, बिल कैसे बनाई जा रही है, क्या कैसा ये जो रिजर्वेशन है उसका कैसे शेपअप होगा, और दूसरी बात है कुछ लोगों को ये रिजर्वेशन है कि देखिए ये रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होनी चाहिए। देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो सियासी पार्टियां हैं चाहे पीडीपी हो और आप भी तमाम जो लोग हैं तमाम जो पार्टियां हैं वो इसकी हिमायत कर रही हैं कि बहुत अच्छा है और ये होना ही चाहिए था। देखिए वो क्यों, देखिए हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो तारीख रही है, देखिए हम हमेशा उन सेगमेंट्स के साथ रहे, आप अपनी आबादी के उस हिस्से के साथ रहे हैं जो डिसम्पावर्ड था जो बेख्तियार था, अभी देखिए जो हमारा ऐतिहासिक कदम था लैंड टू टिलर, जमीन उसकी जो वो जमीन काश्त करेगा, ये नहीं कि सरमाएदार कोई जागीरदार है, वो तो 1951 में जो सब बसरगी में इसकी कल्पना भी नहीं थी तब हमने उठाया, फिर हमने ये जो कर्जे थे जो सूद खारी थी वो ख़त्म कर दी थी और फिर रिजर्वेशन की थी वहाँ, ये जो 5 अगस्त के बाद ये नरेटिव किया गया ना वो बिल्कुल गलत नरेटिव है, हम जम्मू कश्मीर सबसे आगे था जो ये सेगमेंट्स है उनके हकूक देने का, तो इसलिए इस बारे में भी हमें बड़ा उत्साह है, हमें बड़ी खुशी है, हम इसका वेलकम करते हैं कि खवातीन को भी उनका जो रिप्रेजेंटेशन वो मिलना चाहिए कानून जो असम्बली में पार्लियामेंट में और जो इदारे हैं हर इदारे में उनकी होती रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली।